झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के 32 विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिफ्ट किया गया है। इनमें कांग्रेस से 12, जेएमएम के 19 और आरजेडी का एक विधायक शामिल है। आपको बता दें कि उन्हें नया रायपुर के मेलफेयर रिसोर्ट में रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों से मुलाकात भी की है, जिस पर भाजपा ने कई सवाल खड़े किए हैं। इन मुद्दों को लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की है। झारखंड में सियासी संकट के बीच झारखंड के 32 विधायक सहित रायपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मेलफेयर रिसोर्ट में उनको ठहराया गया है। हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, इनसे चर्चा करते हैं। कल झारखंड के विधायक जो हैं रायपुर पहुंचे हुए हैं और इनको रायपुर के नए रायपुर के मेलफेयर रिसोर्ट में रखा गया है। कोई भी विधायक यहाँ पे आते हैं जहाँ उनको अच्छा लगता है, और वैसे भी छत्तीसगढ़ तो शांति का टापू है, यहाँ सभी लोग यहाँ पे आते हैं, तो झारखंड के विधायक भी यहाँ पर आए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए यहाँ पे आए और यहाँ रुके हुए हैं। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम। इन्होंने कहा कि झारखंड के जो विधायक आए हैं वे वहाँ की स्थिति को देखें तो वहाँ पर जो है एक सियासी बनी हुई है स्थिति और बदलाव की स्थिति है, और वहाँ के जो 32 विधायक साथ में उनके परिवार सहित पहुँचे हुए हैं और कल शाम को वे रायपुर पहुँचे। उनको राजधानी रायपुर के रिसोर्ट में मेलफेयर रिसोर्ट में रखा गया है और उनको सरकार द्वारा जो है वहाँ पर रखा गया है, और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। और विपक्ष का आरोप है कि उन विधायकों का जो है राज्य सरकार अवभगत कर रही है, जिस पर हमने डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम से चर्चा की। इन्होंने सीधा सीधा जो है विपक्ष पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, एम के न्यूज रायपुर।